हेलो दोस्तों, मैं आसिफ खान यूट्यूब चैनल से। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि ये लेटरिन का काम हो रहा है। इसमें लगभग 10 फीट गहराई में इसको खने हुए हैं। हम लोग नीचे 10 फीट गहराई के अंदर मैं हूँ। जैसा आप देख सकते हैं ऊपर लर्निंग का टॉप लेवल दिखाई दे रहा होगा, टॉप लेवल आपको दिखाई दे रहा होगा। इधर देखिए कितना गड्ढा में नीचे से यहाँ से निकाल कर ले जा रहे हैं। कलम देख सकते हैं बहुत अंदर नीचे गहराई में हम यहाँ खड़े हैं। यहाँ पॉलेशन आप देख सकते हैं, इधर भी पॉलेशन है, इधर भी पॉलेशन है, बहुत गहराई में है। यहाँ पर मजबूती के लिए हम लोग देखिए यहाँ पे एल मोड़े हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर एल मोड़े हुए हैं और 15 इंच का एल मोड़ा हुआ है। इसमें 9x9.5 फीट की इसकी चौड़ाई और लंबाई है, देख सकते हैं। और इसको ढलाई करेंगे लगभग 1 फीट, 1 फीट ढलाई करेंगे इसका। 1 फीट इसकी हाइट होगी ढलाई की, चार कलम 1-1 फीट की ढलाई होगी। उसके बाद से यहाँ देखिए, देख सकते हैं इधर चारों कलम की ढलाई 1-1 फीट की ढलाई होगी। ढलाई करने के बाद इस पर हम लोग लिंटर करेंगे। लिंटर करने के बाद इसकी जुड़ाई करेंगे। चारों कोने पर कलम इसलिए दिए हुए ताकि ये इसकी मजबूती बढ़ सके, इसीलिए इस कलम में दिए हुए हैं दोस्तों। कभी भी आप लोग भी कभी भी लेटरिन बनाएंगे तो इसका ध्यान रखेंगे कि लेटरिन कभी भी जड़ में उसकी मजबूती देनी चाहिए। मजबूत नहीं होगा तो ऊपर चल कर हम लोग को बहुत पछताना पड़ेगा, इसलिए उसका जड़ जो है मजबूत करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग चारों तरफ कलम दिए हुए हैं उसकी मजबूती के लिए। उसके ऊपर भी कोई भी काम कर सकते हैं, जैसा मकान बना सकते हैं या किचन या लेटरिन के टाइम कुछ भी ऊपर काम कर सकते हैं, इसलिए इसका मजबूती देना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैं ऊपर से आपको दिखाई दे रहा हूँ, आप लोगों को पूरा दिखाई नहीं दे रहा होगा। ऊपर से मैं इसकी दिखाई दे रहा होगा, ऊपर से मैं दिखा रहा हूँ। देखिए इसकी गहराई आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, बहुत लगभग 10-12 फीट गहराई है। चारों कोने पर कलम भी दिखाई दे रहा है। ढाई एक का मसाला फिर से हम लोग ढालेंगे। देख सकते हैं इधर मसाला बन रहा है, ढाई एक का यहाँ पर मसाला बन रहा है, देख सकते हैं। और यहाँ देखिए एक चीज़ और दिखा रहे हैं दोस्तों, देखिए। हेलो दोस्तों, देखिए यहाँ पे कितना खतरनाक काम है, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना खतरनाक है, दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर काम करना है, कितना रिस्की काम है दोस्तों। बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें दोस्तों। देख सकते हैं बहुत मेहनत से वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं। धूप भी है, हल्का फुल्का धूप भी लग रहा है दोस्तों, चेहरा काला दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। यह जो है इसका चारों कलम में बांधकर इसकी चौड़ाई और लंबाई की नापी किए हैं दोस्तों। देखिए नीचे आप लोगों को सही से दिखाई नहीं दे रहा है, मैं समझ रहा हूँ, देख सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने के लिए, साफ दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए मुझे खेद है दोस्तों। मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने के लिए, साफ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए बहुत गड्ढा है दोस्तों, देख सकते हैं बहुत गड्ढा है। कोशिश कर रहा हूँ लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। मेहनत से, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे ये सब ईंटा गिरने टूट गिरा हुआ है। यहीं पे काम करना है, देख सकते हैं ये मकान है, पुराना मकान है दोस्तों, देख सकते हैं। ये हमारे मिस्त्री साहब हैं, इनको देखिए, ये हमारे ये भी मिस्त्री हैं। यदि हमारे मिस्त्री साहब हैं, इन्हीं के गाँव में मकान
काम कर रहा हूँ दोस्तों, देख सकते हैं धूप थोड़ा है, देख सकते हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा धूप है दोस्तों, धूप में ही वीडियो हम बना रहे हैं दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो इसी गड्ढे के अंदर काम करना है दोस्तों, देखिए दोस्तों का लाइन धरला। मेरा आवाज़ बहुत धीमा जा रहा होगा दोस्तों, इसके लिए मुझे खेद है, माइक है नहीं हमारे पास, इसीलिए दोस्तों मेरा आवाज़ थोड़ा सा धीमा जा रहा होगा। मैं अपना वीडियो यहीं पर विराम करता हूँ दोस्तों, नमस्कार, बाय, लाइक सब्सक्राइब शेयर।